हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जो है बहुत ही आरामदायक और जूतों के साथ आसानी से पहनने वाली सॉक्स बनाने जा रही हूँ इस सेट के साथ मैचिंग। और एज ग्रुप है 1.5 से 3.5 साल के बीच का। तो ये जो कैप है और ये स्वेटर है, ये मैंने आपके साथ पहले शेयर करी हुई है। और आज जो है मैं इसके साथ इस तरीके की जो है सॉक्स की जो ट्यूटोरियल है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो बहुत आसान है जूतों के साथ, ये इस तरीके की सॉक्स बहुत कंफर्टेबल रहती है। तो 1.5 साल के ऊपर बच्चे चलने लगते हैं तो उनके लिए ये सबसे अच्छा जो है वो नमूना है। अगर आप इसके लिए ऐसी सॉक्स बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो को कर लीजिए फॉलो। तो सबसे पहले जो है हम इसे यहाँ से शुरू करेंगे, और यहाँ से शुरू करने के लिए मैंने इसमें डाले हैं 42 स्टिचेस। तो अब 42 स्टिचेस हम कास्ट ऑन करेंगे। तो ये डबल फंदे मैंने इसमें डाले हुए हैं इस तरीके से। तो ये डबल फंदे जो है ये भी मैंने आपको बताए हुए हैं कास्ट ऑन करने। तो इस तरीके से ये जैसे हमने 4 फंदे डाले हैं ऐसे ही 42 टोटल पूरे स्टिचेस डाल देंगे। उसके बाद देखिए हम ये बॉर्डर बनाएंगे दोनों तरफ से सीधा बुनते हुए 8 सिलाइयों में। उसके बाद ये जो पैटर्न है ये 2 बार मैंने यहाँ डाला हुआ है और ये 1, 2, 3, 4 बार पड़ा हुआ है। 10 फंदों का डिज़ाइन है इस तरीके से और ऊपर 10 सिलाइयों में ये कंप्लीट होता है। तो ये हम जो है बॉर्डर बनाने के बाद ये 42 स्टिचेस पे जो है ये पैटर्न जो है 2 बार कंप्लीट बना लेंगे। और उसके बाद जो है ये जाली वाला डिज़ाइन मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए बॉर्डर बन गया है, ऊपर 2 बार इस पैटर्न को बना लिया है। और अब देखिए अब जाली वाला डिज़ाइन जिसमें हम डोरी डालेंगे वो बना रही हूँ। 1 फंदा स्लिप करेंगे, इसके बाद देखिए 1 जाली डालेंगे और 2 का 1 ऐसे कर देंगे। 2 का 1 आप इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कीजिए। अब यही 2 फंदे जो हैं आपने एंड तक रिपीट करते जाना है, 1 जाली डालते जाना है, 2 का 1 करते जाना है। जाली 2 का 1, जाली 2 का 1। तो ये एंड तक हम यहाँ तक करते जाएंगे और एंड में 1 फंदा रह जाएगा, इसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड पे 1 पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो ये देखिए ये जाली मैंने डाल दी है रॉन्ग साइड पे, सारी सिलाई उल्टी बन गई है। और यहाँ से देखिए मैंने यहाँ से आगे जो है पैटर्न पहले भी सॉक्स नीटिंग वीडियोस में शेयर किया हुआ है, तो आज एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। तो इसके बाद देखिए हमने 8 सिलाइयाँ बनानी है दोनों तरफ से सीधी सीधी। तो दोनों तरफ से सीधी सीधी किस तरीके से बनेगी, पहला फंदा हम हर सिलाई में स्लिप कर लिया करेंगे, उसके बाद सारे के सारे फंदे एंड तक हम इस तरीके से सीधे सीधे बुन लिया करेंगे। तो जैसे ये सिलाई बना रही हूँ एंड तक ऐसे ही बनाना है, और इसी तरीके से हम 8 टोटल सिलाइयाँ जो है इस सिलाई को मिला के कम्प्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए ये 8 सिलाइयाँ मेरी बन चुकी हैं और ये 4 गार्टर स्टिचेस की लाइन इस तरीके से बन चुकी हैं। अब देखिए हम ऊपर हमारे पास देखिए 42 स्टिचेस हैं, 42 42 फंदे हैं। इन 42 फंदों को हम बराबर 3 भागों में बांट देंगे 14 14 14 करके। तो आप देखिए किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। तो शुरू के 14 फंदे और बीच वाले, पहले शुरू के हम 14 फंदे बुन लेते हैं। 1 फंदा स्लिप किया, उसके बाद देखिए 3, ये 5 फंदे हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, 2 4 6 8 10 12 14। अब एक मार्कर हम यहाँ पे लगा लेंगे। अब आगे बीच में जो 14 फंदे हैं इन्हें भी हम बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये फंदे आप गिन लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14। तो ये हम एक मार्कर यहाँ लगा लेंगे। तो ये हमारे जो हैं 3
हिस्से डिवाइड हो चुके हैं। अब हम यहाँ देखिए फ्रंट साइड पे हैं, अब हम मुड़ जाएंगे। अब हमने सिर्फ बीच वाले 14 फंदे जो हैं वो ही बुनते जाना है। तो अभी हमने ये बुने 14, अब हम रॉन्ग साइड पे एक फंदा स्लिप करेंगे दो और धागे को दूसरी तरफ करके ये 14 फंदे जो हैं सीधे सीधे बुनेंगे। एक स्लिप किया, 13 फंदे जो हैं वो सीधे बुनेंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे। तो अब हम फ्रंट साइड की ओर मुड़ जाएंगे। अब हमने सिर्फ बीच के ही फंदे जो हैं बुनने हैं। जैसे हमने अभी दो सिलाइयां बुनी फ्रंट साइड और रॉन्ग साइड पे, वैसे ही हमने बार बार बुनते जाना है। एक बार मैं बता देती हूँ, एक स्लिप करेंगे, 13 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो इसमें अब गिनने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने मार्कर लगाए हैं आप इन्हें बस इसी तरीके से बुनते जाइए। पहला फंदा स्लिप और 13 फंदे सीधे दोनों साइड से करते जाएंगे। तो रॉन्ग साइड की तरफ हो जाएंगे, एक फंदा स्लिप धागा दूसरी ओर, 13 फंदे सीधे ऐसे बुनते जाएंगे। और देखिए अभी चार सिलाई हैं, ये चौथी सिलाई है हमारी बीच वाले 14 फंदों पर। तो इस तरीके से चार सिलाइयाँ होने के बाद जो है ये हमारी दो गार्टर स्टिचेस की जो ये लाइंस हैं ये पड़ती हैं। तो ये शुरू की चार लाइंस आप छोड़ दीजिए, इसके ऊपर वाली ही हमने काउंट करनी है, दो हुई हैं। जैसे हमने ये दो लाइंस बनाई हैं वैसे ही टोटल 12 मतलब 10 सिलाइयाँ 10 लाइंस ऐसी और बनानी है। तो हम ये वाला हिस्सा जो है ऊपर वाला हिस्सा जो है ये बनाएंगे। तो इसके बाद अब हम 20 सिलाइयाँ और बनाते हैं दोनों तरफ से सीधी सीधी, और इस तरीके से 12 ये लाइंस हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। मार्कर की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्कर हम हटा देंगे और फ्री होके 10 सिलाइयाँ दोनों तरफ से सीधी सीधी और बनाएंगे। तो अब ये देखिए ये शुरू की चार लाइंस को छोड़ देंगे, ऊपर हम काउंट करेंगे तो ये 12 लाइंस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और ये फ्रंट साइड पे मैंने एक सिलाई जो है वो बना ली है। अब देखिए यहाँ से शुरू किया था हमने, यहाँ पे ये वाला पार्ट बनाया, और अब ये यहाँ पे हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे इस पूरी सिलाई को। तो उससे पहले देखिए जो ये हमारे पास साइड में स्टिचेस बन जाते हैं ये हम सारे उठाएंगे। तो जब हम ये 12 लाइंस हमने बनाई है तो ये 12 ही फंदे हमसे उठेंगे, तो हम इस सिलाई की हेल्प से उठाएंगे। देखिए जो पहला फंदा होता है वो देखिए ये सबसे छोटा होता है, ये उठाएंगे, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 फंदे हमने उठा लिए हैं, इन्हें बुन लेंगे सीधा। तो ये 12 फंदे मैंने बुन लिए हैं जो उठाए थे, अब यहां पे जो 14 फंदे हैं इन्हें सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए, तो ये हमारी जो है लाइन पूरी हो चुकी है। अब रॉन्ग साइड पे आएंगे और यहाँ तक हमने फंदे जो हैं सीधे सीधे बुनने हैं। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद सारे फंदे जो हैं सीधे सीधे बुन लेने हैं ऐसे। तो ऐसे हम यहाँ तक बुन लेते हैं फंदे, फिर यहाँ पे भी उसी तरीके से हमने ये साइड में से फंदे उठाने हैं। तो यहाँ तक बुन लिया है, अब देखिए यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। अभी हम रॉन्ग साइड पे हैं तो रॉन्ग साइड से हम फंदे नहीं उठाएंगे, हम थोड़ा मुड़ जाएंगे फ्रंट साइड की ओर से और इस नीडल की हेल्प से हमने फंदे उठाने हैं। तो सबसे पहला फंदा सबसे छोटा होता है, देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो ये हमने इस तरीके से उठाना है। अब हम उठ जाएंगे रॉन्ग साइड की तरफ। अब हम ये सारे फंदे जो हैं इस तरीके से
फ्रंट लूप से ऐसे सीधे बुनेंगे। देखिए अगर आप इस तरीके से बुनेंगे तो ये बहुत लूज आएगी पूरी सिलाई, तो हम इस तरीके से बुनेंगे। तो ये 12 फंदे हम ऐसे बुनेंगे, उसके बाद जो 14 फंदे हैं वो भी हम ऐसे ही सीधे सीधे बुन लेंगे। और इस तरीके से ये पूरी सिलाई जो है हम कर लेंगे कंप्लीट। तो अब देखिए, अब हमारे पास देखिए 12 फंदे यहाँ पे बढ़े, 12 यहाँ पे बढ़े, तो 24 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं। पहले 42 थे, तो 42 हमारे पास पहले थे, उसके बाद हम 24 जो है इसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास देखिए 76 टोटल स्टिचेस हो जाते हैं। तो 76 टोटल स्टिचेस हो जाएंगे। तो अब हम जो है बिल्कुल बीचों बीच जो है 23 फंदे दोनों रखेंगे, और बिल्कुल बीच में जो है हम लगाएंगे मार्कर। तो मैं पहले गिन लेती हूँ फिर यहाँ पे मार्कर लगाती हूँ। तो अब देखिए हमारे पास जो है टोटल फंदे जो हैं वो 66 हैं यहाँ पे, यहाँ 12 फंदे, यहाँ 12 फंदे बढ़ाने के बाद। तो पहले हमारे पास 42 थे, फिर 24 फंदे बढ़े हैं, तो टोटल 66 फंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 33 फंदे यहाँ रखे हैं, 33 यहाँ रखे हैं, और बिल्कुल बीचों बीच जो है यहाँ पे मार्कर लगा लिया है। और अब हम जो है फंदों को डिक्रीज करते हुए जो है जो सॉक्स का नीचे वाला पोर्शन होता है वो बनाएंगे। तो ये देखिए, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये हमारा इस तरीके से बिल्कुल गोलाई में इस तरीके से बनना चाहिए, और ये अब हम शुरू करेंगे। तो अब देखिए, जो ये वाली सिलाई हम बनाएंगे वैसी हमारी जो है फ्रंट साइड की आगे वाली सिलाइयों का पैटर्न रहेगा। फ्रंट साइड पे है पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे जितने फंदे हैं सीधे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
ये हमने इस तरीके से फ्रंट लूप से साथ में बुनने हैं, सीधे दो का एक करना है। यहाँ पे एक फंदा हम मार्कर से राइट साइड में एक फंदा ऐसे डिक्रीज कर लेंगे, फिर मार्कर भी शिफ्ट कर लेंगे और इसके दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से एक फंदा डिक्रीज करना है दो का एक करके। उसके बाद ये 28 फंदे हम बीच में सीधे बुनेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस। 28 सीधे बुनने के बाद दो का एक करेंगे और जो एज स्टिच है लास्ट वाला ये सीधा बुनेंगे। अब रॉन्ग साइड पे हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहला फंदा स्लिप करने के बाद सारे फंदे हमने ऐसे जो है सीधे बुनने हैं। तो ये सिलाई हम पूरी सीधी बना लेते हैं। अब हम फ्रंट साइड पे आए हैं, देखिए पैटर्न हमारा सेम रहेगा, बीच के फंदे जो हैं वो घटते जाएंगे। तो एक फंदा स्लिप करने के बाद दो का एक करेंगे शुरू में, फिर देखिए सीधे फंदे कितने आएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. तो दो फंदे घट गए थे इस साइड। तो यहाँ पे मार्कर से ठीक पहले दो का एक करेंगे, मार्कर को शिफ्ट कर लेंगे, फिर दो का एक करेंगे यहाँ पे भी, और 26 फंदे सीधे बनाएंगे, उसके बाद दो का एक करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
ऐसे, और एज स्टिच को बुन देंगे सीधा ऐसे। अब रॉन्ग साइड पे सारी सिलाई हमने सीधी बुननी है एक फंदा स्लिप करने के बाद ऐसे। तो ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब मैं फ्रंट साइड पे आ गई हूँ। देखिए, तो यहाँ से अगर हम यहाँ जाली वाले डिज़ाइन के ऊपर हम काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस हुई हैं। अभी हमने जो है 2 लाइंस और बनानी है। तो आगे की जो 2 फ्रंट साइड की रोज हैं इसी पैटर्न में बनाते जाएंगे। जैसे पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। बीच में 24 फंदे रहेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। उसके बाद 2 का 1 करेंगे, मार्कर को शिफ्ट कर देंगे। फिर इस साइड भी 2 का 1 करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 24 फंदे सीधे बुन लेंगे। फिर लास्ट फंदे से पहले 2 का 1 करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर रॉन्ग साइड पे सारी सिलाई हमने सीधी सीधी बनानी है। तो ये एंड पर 2 का 1 और एक फंदा सीधा। अब ये रॉन्ग साइड पे बना लेती हूँ सारी सिलाई पूरी सीधी। तो अब देखिए फ्रंट साइड पे हूँ। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन है, एक और हम डालेंगे। तो फ्रंट साइड पे लास्ट फ्रंट साइड रो है। एक फंदा स्लिप करने के बाद 2 का 1 करेंगे, फिर बीच में सीधे फंदे हैं, देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 फंदे सीधे बुनने के बाद मार्कर के ठीक पहले 2 का 1 करेंगे, मार्कर के आगे भी हमने 2 का 1 करना है यहाँ पे ऐसे। 22 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। अब यहाँ पे 2 का 1 और लास्ट वाला फंदा सीधा। अब हम रॉन्ग साइड पे पूरी सिलाई सीधी बना लेते हैं। तो अब देखिए हम ये काउंट करेंगे लाइंस। तो ये हमारी पूरी 9 हो गई हैं, और अब हम जो है ये सॉक्स हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम इसका जो तला है वो जोड़ेंगे। तो इसके लिए जो अब फ्रंट साइड पे हम ये यहाँ शुरू से लेकर यहाँ मार्कर के पहले तक फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। अब हम मार्कर को हटा देंगे। अब हमारे पास दोनों तरफ जो है 25 25 फंदे हैं।
अब ये फ्रंट साइड है देखिए हमारी, अब हम इसे अंदर की तरफ लेंगे और हम जैसे शोल्डर्स ज्वाइन करते हैं ना स्वेटर्स के, वैसे ही अब ये तले जो है वो जोड़ लेंगे हम। तो ये काफ़ी बार जो है मैंने बताया हुआ है, तो ये दो एक फंदा यहाँ से एक फंदा दूसरी सिलाई से लेंगे, दोनों सिलाई के एक फंदे को साथ में सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को फिर ऐसे आगे वाले फंदे के ऊपर से पास करते जाएंगे। इस तरीके से हमारे यहाँ पे फंदे जो हैं बंद होते जाएंगे ये ऐसे। तो अब ये सारे फंदे जो हैं इस तरीके से हम बंद करते जाएंगे और जो लास्ट में फंदा रह जाएगा उसे हम गांठ लगा के बंद कर लेंगे। तो ये देखिए सारे फंदे बंद कर दिए हैं और यहाँ पे गांठ लगा के जो है मैंने ये धागा काट लिया है। और यहाँ पे अब ये जो धागा शुरू में बच गया था इसी को मैं यहाँ पे स्टिच के काम में लाऊंगी। मैं इसी धागे से यहाँ से सिलाई करना शुरू करूंगी और फिर मैं फाइनल आपको डोरी डाल के ये सब सॉक्स बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारी सॉक्स हो चुकी तैयार। अब देखिए ये चीज़ जो है आप डोरी से ऊपर जो ये है पार्ट है इसे आप जितना मर्जी बड़ा बना सकते हैं। आप एक बार और पैटर्न को बना के और लंबा बना सकते हैं, छोटा चाहिए तो आप छोटा भी बना सकते हैं। यहाँ से ऊपर आपकी अपनी विश है कैसा बनाना चाहते हैं। तो ये हमारी सॉक्स का पेयर हो चुका है तैयार और बहुत ही कंफर्टेबल रहता है ये। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, अगर आपको शूज़ के साथ पहनाने के लिए सॉक्स चाहिए तो आप इसी तरीके की बनाइए। तो चलिए बनाइएगा और बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। और मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।